हेलो गाइस, आज हम क्लास टेंथ का मैथ का पेपर जो 28 अक्टूबर को हुआ है उसकी मार्किंग स्कीम को देखेंगे। क्वेश्चन पेपर के आंसर जो है आपके ऑफिशियल इसी मार्किंग स्कीम से चेक किए जाएंगे। हम बेसिक पेपर को यहाँ पर देख रहे हैं, तो फर्स्ट का आंसर यहाँ पे 4 हो जाएगा, सेकंड इसका और दिया गया जिसका आंसर 1 हो जाएगा, सेकेंड का आंसर 2 हो जाएगा, थर्ड का आंसर x²-2x/2-6 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम इसमें और की बात करते हैं तो -pq यहाँ पे आंसर हो जाएगा, y=x हो जाएगा। फिफ्थ में नो सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट में इसमें और दिया गया है तो और में -1 और 2 हो जाएगा, सेकंड में 4 यूनिट आ जाएगा। सेवन्थ जो इसका क्वेश्चन है उसका डी ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे सही हो जाएगा, इसका और में 3 आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप फटाफट आंसर स्कीम देख लीजिए। एट्थ का आंसर यहाँ पे 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, नाइन्थ में b=d हो जाएगा, टेंथ में 0 आ जाएगा और की बात करते हैं तो a की स्क्वेयर आ जाएगा। इलेवंथ में 45 डिग्री आंसर आ जाएगा, 12 में 12 आंसर होगा, 13 में 20 और 14 में 8 आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम 15 क्वेश्चन की बात करते हैं तो 60 डिग्री आंसर होगा, 16 क्वेश्चन में 77 सेंटीमीटर आंसर होगा। सेक्शन सेकंड की बात करते हैं, 50 का 50√3 आंसर हो जाएगा, सेकंड का क्वेश्चन 20√3 हो जाएगा, थर्ड में 90 डिग्री आ जाएगा, फोर्थ में 100 मीटर आ जाएगा और फिफ्थ क्वेश्चन में 20√37 हो जाएगा। अब हम 18 क्वेश्चन की बात करते हैं, 18 के फर्स्ट में 2.25 हो जाएगा, सेकंड में 8.20 हो जाएगा, थर्ड में √41 हो जाएगा, फोर्थ में 5.20 हो जाएगा और फिफ्थ में 6.23.7 हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप है, आप इन आंसर देख सकते हैं। 19 की हम बात करते हैं, 19 में फर्स्ट में 2x+9 इक्वल और x plus y 13 हो जाएगा, सेकंड में यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, थर्ड में इंटरसेक्टिंग आ जाएगा, फोर्थ में 6 मीटर आ जाएगा और जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसका उसमें 7 मीटर आंसर आ जाएगा। इसी तरह 20th क्वेश्चन की बात करते हैं तो 20 में फर्स्ट में 65 मीटर, सेकंड में 110, थर्ड में b 53, फोर्थ में b 60 एंड फिफ्थ में 57.25 हो जाएगा। बी पार्ट की बात करते हैं, बी के फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर होगा 2 और 3, थर्ड में यूनिक सॉल्यूशन, इसका जो थर्ड है वो ED/TU या FE/SU हो जाएगा, फोर्थ में 30 डिग्री का आंसर आ जाएगा और फिफ्थ में भी 30 आ जाएगा, इसके और में 5 आ जाएगा। अब हम 22वें क्वेश्चन की बात करते हैं, 22nd के फर्स्ट में क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा और इसका और ट्रू हो जाएगा, सेकंड में ट्रू, थर्ड में फॉल्स, फोर्थ में ट्रू एंड फिफ्थ में फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद 23rd का सॉल्यूशन आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपको ये सॉल्व करना था और ये कंपोजिट नंबर आपको बताना था। 24th में 2 क्वेश्चन दिए गए थे और में, तो देखो फर्स्ट में क्या करना है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है, x 16 आएगा, y 9 आएगा, सॉल्विंग करने पर x 3 आ जाएगा, y 2 आ जाएगा। 25th क्वेश्चन को देखिए, इस तरह से आपको सॉल्व करना है, देखिए यहाँ पर 25th क्वेश्चन हो जाएगा और इसके और में देखो 68 यूनिट यहाँ पे आ जाएगा। 26 में 10th आइजर कितना होगा, 3/2 आ जाएगा और थीटा किसके इक्वल होगा, 60 डिग्री के। 27 को इस तरह से आपको सॉल्व करना है, आराम से चेक कर लीजिए कि आपने इस तरह से किया है। 28 में x 2 के इक्वल आ जाएगा, 29 में देखेंगे यहाँ पर हम, देखो स्टेप बाय स्टेप इस तरह से सॉल्व करना है। 30th क्वेश्चन को देखो, इस तरह से पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है और जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो 73 आ जाएगा, इसके और का आंसर k-6 आएगा और k 10 आ जाएगा। 31 क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है, 10√3 आ जाएगा। 32 में 0 आंसर यहाँ पे आ जाएगा। 34 में करेक्ट प्रूफ के साथ में आपको सॉल्व करना है। 34 जो क्वेश्चन है इसको देखिए पूरा इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 725 के। 35 का आंसर यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, इसका और दिया गया, इसके और में ये आंसर आ जाएगा। 36 क्वेश्चन में अच्छे से देख लीजिए, एफ और सी एफ यहाँ पे निकालना है, इस तरह से आप निकालेंगे तो आपका जो लास्ट में आंसर है 56.67 आ जाएगा। 37 क्वेश्चन को इस तरह आपको सॉल्व करना है, ये 38 का आंसर आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखिए 38 का आंसर। उसके बाद 39 करेक्ट फिगर आपको बनानी है, यहाँ पे पूरा आपको दिखाना है 39 का आंसर, और में दिया गया है यहाँ पे आंसर, इसको आपको इस तरह से सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।